السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. मोहतरम सामईन कराम, दोस्तों, भाइयों, बुज़ुर्गों, साथियों और काबिल एहतराम बहनों और माओं, मैं आपके सामने सही अगर मैं अपने दिल की बात कहूँ तो मैं कोई तकरीर करने आपके सामने नहीं आया हूँ और ना ही जोश खिताबत दिखाने आपको आया हूँ। और हम में से जितने भी लोग हैं, जितने भी उलमाए कराम हैं जिन्होंने तकरीरें की हैं, उनका मकसद भी ये नहीं है। मकसद ये है कि हमने यहाँ जो प्रोग्राम रखा है इस्लाहे मुआशरा के उन्वान के तहत है कि अगर हमारे समाज में, हमारी सोसाइटी में, हमारे मुआशरे में हम ये तस्लीम करें कि कुछ बुराइयाँ हैं और अगर हम अपने समाज पर नज़र डालते हैं तो हमें अंदाज़ा होता है कि हमारे समाज में, और समाज अफराद से बनता है, हम लोगों से समाज बनता है, तो हमारे अंदर कुछ कमज़ोरियां हैं, कुछ बुराइयां हैं, कुछ कमियां हैं, कुछ गुनाह हैं। एक बात तो ये क्लियर है कि हमारे अंदर कमी है, क्योंकि अगर किसी बीमार शख्स को अपनी बीमारी का एतराफ़ नहीं होगा तो वह डॉक्टर के पास नहीं जाएगा। अगर किसी बीमार को ये एहसास ही ना हो कि वो बीमार है तो फिर वो कोई इलाज नहीं करवाएगा, वो दवा इस्तेमाल नहीं करेगा। तो पहली बात तो ये है कि हमें इस बात का एहसास हो कि हमारे समाज में बुराई है, क्योंकि देखिए हो सकता है कि मेरी बातें गैर तरतीब के साथ, तरतीब के साथ ना हो, गैर मुरत्तब हो, लेकिन असल जो जड़ है उस तक पहुँचने की हमें कोशिश करनी चाहिए कि हम जो है इस वक्त जिस समाज में ज़िंदगी गुजारते हैं लापरवाही का समाज है, गफलत का समाज है, ऐसा समाज है जिसके अफराद हम हैं, मैं हूँ, कोई अलग नहीं, मैं हूँ, आप हैं। हम ऐसी ज़िंदगी गुजार रहे हैं कि हमें होश नहीं है कि बेटा क्या कर रहा है, बेटी क्या कर रही है, हमारी बीवी क्या कर रही है, मेरा छोटा भाई क्या करता है, मेरे बड़े भाई क्या करते हैं। हमें किसी बात का होश नहीं। और होश का मतलब ये है, जो मैं, चूँकि मेरा मौजू नशा और नशा में बहुत सारी चीज़ें शामिल हैं, मौजू ये है कि क्या आपके दिमाग में कभी बात आई कि आपने छोटे भाई को देखा कि वो सिगरेट पी रहा है, वो तम्बाकू का इस्तेमाल कर रहा है, मैं अभी बड़ी चीज़ों पर नहीं जाऊंगा, वो तम्बाकू का इस्तेमाल कर रहा है या वो बीड़ी का इस्तेमाल कर रहा है, कभी आपने खुद अपने दिमाग पर जोर डालिए, अपने दिल पर हाथ रखिए, आपने महसूस किया कि वो बुरा कर रहा है? सिर्फ इतना, क्या आपने महसूस किया कि अगर आपके वालिद सिगरेट पीते हैं, आपका बेटा सिगरेट पीता है, आपका भाई सिगरेट पीता है, आपका दोस्त सिगरेट पीता है, क्या आपने ये महसूस किया? क्योंकि ये ईमान का आखिरी दर्जा है। अगर
समाज के अफराद में ये रमक भी मौजूद नहीं है, ये एहसास भी मौजूद नहीं है कि गलत गलत है, तो फिर इस्लाह की कोई कोशिश कामयाब नहीं हो सकती। तो मैं वो सादा बात बोलता हूँ, अगर मेरा बेटा सिगरेट पीता है, क्या मुझे तकलीफ हुई? क्या मैंने महसूस किया कि वो गलती कर रहा है? क्या मैंने महसूस किया कि वो गुनाह कर रहा है, नबी की मुखालफत कर रहा है, अल्लाह ताला के फरामीन की मुखालफत कर रहा है? अगर ये महसूस आपने किया है तो आइंदा की बातें कामयाब हो सकती हैं, आइंदा के इलाज कामयाब हो सकते हैं, वरना कोई फ़ायदा नहीं, वरना बात करने का कोई फ़ायदा नहीं है। तो मौजू क्या है? नशा। और आप जानते हैं कि अल्लाह तबारक तआला ने जब अपने नबी को मक्का में मबऊस किया तो वहाँ जो नशे की चीज़ थी वो शराब थी। अल्लाह ताला ने कुरान करीम में शराब को हराम कर दिया। मैं उसकी तफसीलात में नहीं जाऊँगा। अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया, या अय्युहल्लज़ीन आमनू इन्नमल खमरु वल मैसिरु वल अंसाबु वल अज़लामु रिजसुम मिन अमलिश शैतान फजतनिबूहु लअल्लकुम तुफ्लिहून। इन्नमा युरीदुश शैतानु अन युक़िअ बैनकुमुल अदावा वल बग़्ज़ा फिल खमरि वल मैसिरि वयसुद्दकुम अन ज़िक्रिल्लाहि व अन सलाति फहल अंतुम मुंतहून। ये उस समाज की जो सूरत हाल थी, अल्लाह ताला ने कहा है कि ऐ ईमान वालों, शराब, जुआ, अनसाब, चाहे आप उसे बुत की तफसीर माने कि बुत, या जहां वो जगहें जहां पर बुतों के लिए कुर्बानी दी जाती है, तो अल्लाह ताला ने कहा कि शराब, जुआ और वो बुत, वो अज़लाम और फाल के तीर। फाल के तीर का मतलब ये है कि वो उनका ये रवाज था, उनकी ये आदत थी कि अगर सफ़र पे जाना होता तो वो अपने काहिन के पास जाते, अपने पुजारी के पास जाते और उसके पास तीन तीर रहा करते थे। एक में लिखा होता हाँ, एक में नहीं और एक में लिखा होता कुछ नहीं, न्यूट्रल होता। उसके बाद उस तीर को हिलाता और जो भी तीर निकालता, तो तफसील में नहीं जाएंगे हम लोग कि अगर हाँ है तो गोया के जाओ, नहीं है तो मत जाओ, और अगर न्यूट्रल है तो दोबारा उस अमल को दोहराया जाए। तो कहने का मतलब ये है कि उस ज़माने में शराब लोग पीते थे और अल्लाह ताला ने मदीना में शराब हराम कर दी। सहाबे किराम ने जब इस आयत को सुना तो कहा, समेना व अताना, हमने सुना भी अल्लाह ताला के फरमान को और हम उसे मानेंगे भी। और हम लोग जानते हैं, खुतबाए किराम से आप सुनते रहते हैं कि मदीना की गलियों में शराब बही, सहाबे किराम ने शराब बहा दी। और सिर्फ शराब ही नहीं बहाई, जिस बर्तनों में वो शराब रखते थे सहाबे किराम ने उन बर्तनों को तोड़ दिया अपनी इताअत बतलाने के लिए कि हम नबी की बात इस हद तक मानने वाले हैं, अल्लाह ताला के फरमान को इस हद तक मानने वाले हैं। वो एक समाज की सूरत थी, शराब उनके यहाँ राइज थी, अल्लाह ताला ने शराब को हराम कर दिया, सहाबे किराम ने उसको मान लिया और सहाबे किराम ने शराब नोशी छोड़ दी। अब आइए, मैं ज़्यादा तफसील में नहीं जाऊँगा इसलिए कि वक्त मेरे पास कम है। अब आइए हमारे समाज की तरफ कि आज हमारे समाज में नशा की क्या क्या चीज़ें राइज हैं। एक तो ये बात, दूसरी बात ये है कि उसमें दो अहम चीज़ें हैं। एक तो आप कह सकते हैं तंबाकू, सिगरेट और बीड़ी का मसला है, और उसके बाद दूसरा जो पॉइंट है, जो दूसरा मसला है, वो ड्रग्स का मसला है, मुनशियात का मसला है। तो जहाँ तक सिगरेट के बारे में है, तंबाकू के बारे में है, बीड़ी के बारे में है, शैतान ने हम में से बहुत सारे लोगों के दिलों में ये वसवसा डाल दिया है और इस वसवसे का शिकार बाज़ वो लोग भी हो गए हैं जो अहले इल्म हैं। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो तंबाकू का इस्तेमाल करते हैं या ऐसे पान का इस्तेमाल करते हैं जिसमें तंबाकू है, और कोशिश करते हैं कि ये साबित किया जाए कि तंबाकू हराम नहीं है, सिगरेट हराम नहीं है या बीड़ी हराम नहीं है, इसलिए मकरूह है, इसलिए इसका इस्तेमाल किया जा सकता है। तो पहले तो इस मसले की वजाहत होनी चाहिए कि तंबाकू हराम है, तंबाकू हराम है, सिगरेट हराम है, बीड़ी हराम है, और वो पान जिसमें तंबाकू डाला जाता है ये हराम है। क्यों?
क्योंकि आज हमारे समाज में, सोसाइटी में नशे की जो लत है, नशे की जो बात है, जो आगे ड्रग्स तक जाती है, आगे मनुष्यात तक जाती है, उसकी बुनियाद हम फराहम करते हैं अपने घरों में, अपने मोहल्लों में उसकी बुनियाद हम फराहम करते हैं। तो पहली ये जो बात क्लियर होनी चाहिए कि ये तम्बाकू, ये बीड़ी, ये तम्बाकू वाले पान, ये सिगरेट, ये तमाम चीज़ें हराम हैं। ये तमाम चीज़ें हराम हैं। हर वो चीज़ जो नशा लाए वो हराम। और भी दलीलें जिक्र करूँगा, लेकिन नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है कि आपने फरमाया कुल्लु मुस्किरिन, देखिए बहुत कायदे की बात है, आपने फरमाया कुल्लु मुस्किरिन खमरुन व कुल्लु मुस्किरिन हराम। आपने उम्मत को एक कायदा दिया है कि हर नशे वाली चीज़ शराब है। उसके इस बात पर मत जाइए कि वो पीने वाली चीज़ है या खाने वाली चीज़ है या इंजेक्शन से इंजेक्ट की जाती है या नाक से सूंघी जाती है। आपने फरमाया हर वो चीज़ जो नशा लाए वो खमर है। मैं शराब का तर्जुमा भी ना करूँ तो बेहतर है कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि हर वो चीज़ जो नशा लाए वो खमर है। गोया के हर वो चीज़, तम्बाकू अगर नशा लाता है तो वो हराम है, और वो अल्लाह ताला के उस आयत में शामिल है, उस आयत के हुक्म में शामिल है जिसमें अल्लाह ताला ने कहा या अय्युहल्लज़ीना आमनु इन्नमल खमरु वल मैसिर, के ऐ ईमान वालों तुम्हारे लिए शराब यानी खमर और जुआ तमाम चीज़ें हराम कर दी गई हैं। इस हदीस के एतबार से अगर तम्बाकू नशा लाता है तो तम्बाकू हराम है। और मेरा तजर्बा है कि तम्बाकू में नशा है, तम्बाकू में नशा है। ये आप उस आदमी से पूछिए जो आदमी तम्बाकू नहीं खाता है। पढ़ाई के ज़माने में एक दफ़ा दूसरे दिन इम्तिहान का वक्त था, एक साथी ने मुझे गुल करने के लिए, मेरे दांत में दर्द हो रहा था, एक साथी ने गुल, आप जानते होंगे जो वहाँ यूपी बिहार के लोग हैं, कि गुल करने के लिए दिया। वो जब गुल मैंने अपने दांत पर लगाया, मुझे पता नहीं था कि ऐसा होता है, जैसे ही मैंने अपने दांत पर लगाया मैं ऐसा लग रहा था जैसे मैं बेहोश हो जाऊँगा, मैं उसके बाद कुछ पढ़ नहीं सका, मुझे जाकर सोना पड़ा। तो ये है नशा, ये है नशा। तो तम्बाकू इसमें नशा है, और जब तम्बाकू में नशा है तो वो खमर है, और जब वो खमर है तो वो कुरान के हुक्म में शामिल है जिसमें अल्लाह ताला ने खमर को हराम करार दिया है। तो नशे, ये जो तम्बाकू है, बीड़ी है, सिगरेट है, तमाम चीज़ें, ये चीज़ें पहली बात तो ये कि हराम है। क्यों हराम है? क्योंकि ये खमर के हुक्म में शामिल हैं। अभी मैं ड्रग्स की बात नहीं कर रहा हूँ। दूसरी बात, अगर ड्रग्स को भी शामिल कर लेते हैं फिलहाल एक ही साथ, क्योंकि वक्त कम है, जिस तरह तम्बाकू, बीड़ी, सिगरेट ये तमाम चीज़ें हराम हैं, इसी तरह ड्रग्स हराम है। जितने भी ड्रग्स हैं, जितने भी मनुष्यात हैं, चाहे वो कोकेन हो, अफीम हो, या कोई भी चीज़ हो, एमडी इस्तेमाल करने वाले, और बहुत सारी गोलियां आती हैं जिसे लोग इस्तेमाल करते हैं, हीरोइन हो, पाउडर की शक्ल में हो, सूंघने के अंदाज में हो, किसी भी अंदाज में हो, ये चीज़ें अगर नशा लाती हैं तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि कुल मुस्किरिन खमरुन, हर नशे वाली चीज़ खमर है, शराब है, और वो अल्लाह ताला ने शराब की हुरमत का जो हुक्म दिया है ये तमाम चीज़ें उसमें शामिल हैं, ये तमाम चीज़ें हराम। इसलिए इसको समझिए, शैतान के बहकावे में मत आइए, क्योंकि बातें क्योंकि बहुत सारी हैं, क्योंकि हमारे जो बस्तियां हैं, हमारे बस्तियों की पहचान आज कैसे हो रही है, मैं अफसोस के साथ मुझे कहना पड़ता है, मैं भी इसी माशरे का परवरुदा हूँ, मैं भी इसी माशरे में रहने वाला हूँ, कि आप मुस्लिम माशरे में चले जाएं, मुस्लिम मोहल्ले में चले जाएं, अफसोस की बात है कि आपको मेडिकल नहीं मिलेगा, दवाइयों की दुकान नहीं मिलेगी आपको, आपको कापी किताब की स्टेशनरी की दुकान नहीं मिलेगी, आपको ज़रूरियात की दुकान नहीं मिलेगी। अगर कोई चीज़ आपको मिलेगी जो 24 घंटे में ज़्यादा खुली रहती है, जिस पर ज़्यादा भीड़ होती है, जिसके ग्राहक ज़्यादा हैं, वो पान की दुकान है। पान वो कौन सी दुकान है जिसके ग्राहक सबसे ज़्यादा हैं? और मुस्लिम मोहल्ले में ऐसा है, मुस्लिम मोहल्ले में
जिस इस्लाम के मानने वाले नबी से मोहब्बत का दम भरते हैं, अल्लाह ताला से मोहब्बत का दम भरते हैं, अल्लाह ताला से मोहब्बत का दम भरते हैं, अपने आप के मुसलमान होने का दावा करते हैं। मेरी ये जो बात है, बातें बहुत सारी हो सकती हैं, ये बात छोटी मत है, छोटी नहीं है, इसको हल्के में मत लीजिएगा। हम दावा करते हैं कि हम अपने समाज की इस्लाह करेंगे। हमने यहाँ ये प्रोग्राम इसलिए रखा है कि हम अपने समाज की इस्लाह करेंगे, और जिन चीज़ों को अल्लाह या उसके रसूल ने हराम करार दिया है, अपने समाज से उस चीज़ को ख़त्म करेंगे, उस चीज़ को दूर करेंगे। तो क्या आप ये वादा करते हैं कि आप मुझसे वादा मत कीजिए, अपने आप से वादा कीजिए, अल्लाह ताला से वादा कीजिए। क्या आप ये वादा करते हैं कि अगर सिगरेट पीते थे छोड़ देंगे, अगर बीड़ी पीते थे छोड़ देंगे, अगर तम्बाकू खाते थे छोड़ देंगे, अगर तम्बाकू वाला पान इस्तेमाल करते थे छोड़ देंगे, अगर आप पान की दुकान, ये कड़वी बात है, ये कड़वी गोली है, निगलें या उगलें, अगर पान की दुकान चलाते थे, अगर पान का, तम्बाकू का, सिगरेट का, बीड़ी का कारोबार करते थे, अफसोस की बात यह है, आप लोगों को शायद पता होगा कि बीड़ी बेचना तो खैर है ही है, मुसलमानों की एक बड़ी तादाद ऐसी है जो बीड़ी बनाने के कारोबार में है, मद्रास में बहुत सारे जगहों पर मुसलमान बड़े बड़े कारोबारी हैं जो बीड़ी तैयार करते हैं, बीड़ी बेचते हैं, माशरे में बीड़ी को राइज करते हैं। जबकि हम कुरान और हदीस के एतबार से हम ये सुन रहे हैं, ये देख रहे हैं कि तम्बाकू, बीड़ी, सिगरेट, ये तमाम चीज़ें हराम हैं। तो क्या जो आदमी, कड़वी बात है, पान की दुकान चलाता है, क्या वो ये वादा करेगा कि वो पान की दुकान बंद कर देगा? अगर ये वादा है, अगर दिल में ये बात है, तो इस्लाहे मुआशरा की उम्मीद कायम है, उम्मीद बची है। अगर ये एहसास नहीं है, जज्बा नहीं है, एक कान से सुनेंगे जैसा हम करते हैं, एक कान से सुनेंगे दूसरे कान से निकाल लेंगे, तो मैं आपके सामने लाखों दलीलें पेश करूं, कुरान की आयतें पढ़ूं, हदीसें आपको बतलाऊं, उसका कोई फ़ायदा नहीं। तो पहली बात ये समझिए, पहली दलील, दोनों, चाहे वो तम्बाकू का मसला हो, ड्रग्स का मसला हो, ये दोनों चीज़ें हराम हैं। ये दोनों चीज़ें इसलिए हराम हैं कि नबी ने कहा कि नशे वाली चीज़ वो खमर है, और अल्लाह ताला ने खमर को अहले ईमान के लिए, मुसलमानों के लिए हराम किया है। ये नुक्ता है, इसको समझिए। नबी के इस हदीस के बयान करने का फ़ायदा यही है कि आपने कहा कुल्लु मुस्किरिन खमरुन, कि हर नशे वाली चीज़ खमर है। अगर किसी के बात दिमाग में नहीं आती है तो मैं चंद और दलीलें देता हूं ताकि आप उसकी हुरमत को समझें। दूसरी दलील क्या हो सकती है कि अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान करीम में ये कहा कि वला तक्तुलू अनफुसकुम इन्नल्लाह काना बिकुम रहीमा, कि अपने आप को कत्ल ना करो, अपनी जान ना दो, अपने आप को ना मारो, बेशक अल्लाह ताला तुम पर रहम करने वाला है। एक दूसरी जगह अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया वला तुल्कू बिअयदीकुम इला तहलुका, कि अपने आप को हलाकत में ना डालो। तो कुरान से हमें पता ये चला कि अपने आप को नुकसान नहीं पहुंचाना चाहिए, अपने आप को हलाकत में नहीं डालना चाहिए। और उसके बाद आप आसान जो ज़रिया है मालूमात के हासिल करने का, सही अंदाज में आसानी के साथ आप नेट पे चले जाइए, किसी और साइट पर नहीं जा सकते, कम से कम WHO आप जानते होंगे कि आलमी जो सेहत की तंजीम है, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, उसकी साइट पर आप चले जाइए और उसके बाद ढूंढिए, सर्च कीजिए कि बीड़ी के नुकसान, तम्बाकू के नुकसान क्या हैं, ड्रग्स के नुकसान क्या हैं, अल्कोहल के नुकसान क्या हैं। मैं चंद बातें आपके सामने, चंद नमूने के तौर पर बातें रखता हूँ। अगर आप जाएंगे तो आप देखेंगे कि उन लोगों ने लिखा ये है कि हमारी जो पिछली सदी थी, जिसको हम 20वीं सदी कहते हैं, 20वीं सदी कब से शुरू होती है,
1901 से लेकर 2000 तक ये हमारी 20वीं सदी थी। अब जिस सदी में हम हैं ये हमारी 21वीं सदी है। 20वीं सदी में सिर्फ तंबाकू से हलाक होने वाले, सिर्फ तंबाकू से मरने वालों की तादाद कितनी है आप तस्वीर कीजिए, कितनी है आप अंदाजा लगाइए। 100 साल में सिर्फ तंबाकू से कितने इंसान मरे हैं, कितने कोई बोलेगा अंदाजा लगाइए कितने? 10 लाख नहीं, 10 करोड़। 100 साल में सिर्फ तंबाकू से 10 करोड़ इंसान मरे हैं। और ये यहाँ वहाँ की कहानी नहीं है, आप जाके उनकी साइट पर देख सकते हैं, आप ढूंढ सकते हैं। 100 साल में हमने सिर्फ तंबाकू के इस्तेमाल से 10 करोड़ लोगों को गंवाया है। और उनकी ये भी जो है पेशेन गोई है, यानी तवक्को ये है कि अगर जिस रफ्तार से तंबाकू का इस्तेमाल हम कर रहे हैं, जिस रफ्तार से तंबाकू का इस्तेमाल हो रहा है, अगर यही ट्रेंड रहा, यही रफ्तार बाकी रही, तो हमारी जो सदी है, जो 21वीं सदी है, इसमें मरने सिर्फ तंबाकू से मरने वालों की तादाद कितनी होगी अब अंदाज़ा लगाइए। पहले 10 करोड़, अब अंदाज़ा लगाइए कि अगली इस सदी में तंबाकू खाने की वजह से, जिसमें खाने वाले आप भी हो सकते हैं, बहुत सारी बातें इंशाल्लाह रखूंगा, कोशिश करूंगा कुछ बातें रखूंगा, कितने लोग मरेंगे? 1 बिलियन लोग, 1 अरब लोग मरेंगे, 100 करोड़। पिछली सदी में 10 करोड़ मरे थे, इस सदी में अगर तंबाकू का इस्तेमाल, उसमें तंबाकू सिगरेट बीड़ी है, अगर इसी तरह जारी रहा तो इस सदी में 100 करोड़, 1 अरब यानी 100 करोड़ लोग मरेंगे। ये सिर्फ एक हमारे रोंगटे खड़े करने के लिए काफ़ी है, हमें झुंझोर देने के लिए काफ़ी है। अल्लाह ताला ने कहा कि अपने आप को हलाकत में मत डालो, अपने आप को कत्ल ना करो। ये जो जिस्म है ये अल्लाह ताला की दी हुई नेमत है। नबी ये करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मशहूर हदीस है कि आपने फरमाया कि लन तजूला कदम इब्न आदम हत्ता युसअल अन खमसिन, के किसी भी इंसान के पैर जहां उसका हिसाब लिया जाएगा क़यामत के दिन, वहां से नहीं हटेंगे यहां तक कि उससे 5 चीज़ों के बारे में सवाल किया जाएगा। उसकी उम्र के बारे में, फीमा अफनाहू, उसने उम्र कहाँ लगाई, उसकी जवानी के बारे में, जवानी कहाँ खर्च की, उसके माल के बारे में, माल कहाँ से कमाया, कहाँ खर्च किया, और उसके इल्म के बारे में, जो इल्म उसे दिया गया था उसने उस पर कहाँ तक अमल किया, और उसके जिस्म, बाज़ रवायतों में उसके जिस्म के बारे में कि उसने अपने जिस्म का कैसे इस्तेमाल किया। तो जब महशर में आप जाएंगे, इसको जहन में रखिए, महशर में आप जाएंगे, ऐसा नहीं है कि आप छोड़ दिए जाएं, आपसे सवाल होगा उन वक्तों के बारे में जो आपने गवाया, और उसी पर इक्तफा नहीं है। ये जो जिस्म अल्लाह ताला ने दिया है, इस जिस्म के बारे में भी आपसे सवाल होगा।